आप किस पार्टी से जा रहे हो? देखिए, मैं मेरी औकात बहुत पार्टी की तो नहीं है, लेकिन मैं बहुजन आंदोलन वाली पार्टियों के साथ ही जुड़ूंगा, बहुजनों के साथ ही जुड़ूंगा, ये तय है। बसपा? अगर बसपा मुझे मौका दे तो सोने पर सुहागा। मैं बहुजन, वहाँ मैं अभी फिलहाल बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूँ, सड़क का नेता चुनिए, मान्यवर कांशीराम की तरह, बहन जी की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह, जगदेव बाबू की तरह, चंद्रशेखर की तरह, आप इन लोगों को चुनिए। चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है उनका। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, सड़क के लोगों को चुनना चाहिए, और बहुजन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास संपत्ति नहीं है, हम मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, सिनेमा नहीं है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है इस वोट के अधिकार से। और मान्यवर साहब की एक लास्ट लाइन, सत्ता हर ताले की चाबी है। बहुजन समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन, 90% बहुजनों को चुनाव जीत के आना पड़ेगा संसद में। किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? हमारी उतनी हैसियत नहीं है साहब। क्यों नहीं? कहाँ, आप आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते उठते हो, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते उठते हो, और बसपा के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते उठते हो, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं नियम फॉलो करता हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पहली पसंद होगी बहुजन समाज, बहुजन समाज वाले दल, बहुजन नेता, लेकिन पार्टी मेरी प्राथमिकता में है, लेकिन उससे ज्यादा प्राथमिकता में जनता है। जनता कह रही है कि इस बार धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा, वही ये सबसे बड़ा मुद्दा। और वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी भी है, डेमोक्रेसी की जननी है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध वहाँ गए हैं, भगवान महावीर का वहाँ जन्म स्थल है। तो वैशाली में सोशल रिप्रेजेंटेशन, और वो मेरा गृह जिला है, मैं वहीं बड़ा हुआ। जातीय समीकरण क्या है वहाँ? 90% OBC और SC वोट है, और अल्पसंख्यक समाज का वोट है, 90%। आप OBC हैं जी? अगर आपको OBC समाज का समर्थन मिलता है तो क्या लगता है कि मतलब आप वहाँ जीतने की स्थिति में पहुँच पाएंगे? अगर कोई रजिस्टर्ड या कहूँ कि कोई वहाँ का जो राजनीतिक दल है वो आपको टिकट दे? देखिए, मैं, आप मुझे OBC कहिए, मेरा कंस्टिट्यूशनल नाम है, लेकिन मैं बहुजन हूँ, मुझे SC ST OBC बहुजन, वही बहुजन है ना? तो मैं मान्यवर साहब के विचारों में, मैं जो जो 100 में शोषित 90 है, जो जगदेव बाबू ने कहा, मान्यवर साहब ने कहा कि वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, तो ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। वहाँ चिराग पासवान जी ने भी उनको टिकट दिया जिन्होंने पार्टी तोड़ी, और जनरल कैटेगरी से हैं, कोई काम विकास की बात तो बाद में करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी वहाँ के जो स्थानीय दल हैं, चाहे RJD है, चाहे LNJP है, जो भी है, उनसे भी नाराजगी है कि उन्होंने भी उन्हीं लोगों को मौका दिया। 75 साल हो गए सर, 75 साल उन लोगों को मौका दिया है। लालू यादव का इतना सम्मान है, आप सोचिए, लालू यादव जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी धनबल से राजनीति करते हैं, जनता ने उनको सराखों पर बैठाया, सम्मान है उनका। मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से देश बदला, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम सब जानते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है। ऐसे में तमाम बहुजन दलों की तरह निगाह है, लेकिन आप सोचिए, बिहार में जाति जनगणना हुई है, 90% टिकट वहाँ SC ST OBC का बनता है, अल्पसंख्यक समाज का बनता है। वैशाली जिला, वहाँ खास वैशाली क्यों है, वैशाली बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, वैशाली जननी है लोकतंत्र की, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है, वहाँ रोटी जल चुका है। लालू जी के शब्दों में कहे तो, माननीय लालू यादव के शब्दों में कहे तो, रोटी जल चुका है। 75 साल से SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग संसद नहीं पहुँचे हैं। मेरे साथ शंभू कुमार सिंह हैं, जिनको आप कई वर्षों से नेशनल दस्तक पर पत्रकारिता करते हुए देख रहे हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि वो बिहार से, जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या सोच करके राजनीति में कदम रखा है शंभू जी? देखिए नागपाल जी, इसको भी मजबूरी ही कहिए, मैं सोशल मीडिया पर भी आया था मजबूरी में ही, क्योंकि टीवी अखबार में मैं टीवी में नौकरी कर रहा था 10 सालों से, वहाँ बहुजनों को मौका नहीं मिलता है, वहाँ भी ह्यूमिलिएट हुआ। मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया, बड़ी सफलता मिली, आज हजारों इस देश के बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं वैशाली जिले का हूँ, बिहार के वैशाली जिले का, वहाँ से अभी एक देखे आप संभावित उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला, जिन्होंने जाति सूचक जिस तरह का शब्द बोला, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, जहाँ 90% आबादी SC और OBC की है, अल्पसंख्यक समाज के, वहाँ आज तक एक भी सांसद जो है वो SC OBC या अल्पसंख्यक समाज का नहीं जीता है।
तो इस परसेप्शन को भी तोड़ा। पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, मुन्ना शुक्ला जिसका आपने जिक्र किया, जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये किस पार्टी से है और पार्टी ने अभी तक इनको इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं? संभावित उम्मीदवार, संभावित उन्होंने जो आरजेडी से संभावित उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के संभावित उम्मीदवार हैं, और वहाँ से एनडीए का उम्मीदवार बीना देवी है जिन्होंने रामविलास जी की पार्टी तोड़ी, परिवार में झगड़ा लगाया। वहाँ की जनता, मैं आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं 5 दिन घूमा वहाँ, उसमें लोग कह रहे हैं कि मैं इस बार किसी बहुजन को ही वोट करूँगा। तो यही कारण रहा है कि 75 साल से जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जो नाराजगी है, यही कारण है कि शंभू कुमार सिंह ने पत्रकारिता छोड़कर के सोचा कि चलो वैशाली से। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पूरे देश, पूरा ग्लो, दुनिया नेशनल दस्तक को देख रही है। हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हम लोग नहीं हैं, कोशिश हो रही है। बिल्कुल, बाबा साहब की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है, वोट का अधिकार मिला है, वहाँ भी तो कम से कम ये चीज मुकम्मल हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा सर? 90% लोग कब तक सिर्फ वोट देते रहेंगे? मैं सिर्फ वैशाली की बात कर रहा हूँ, वहाँ बदलना अभी थोड़ा सा लौट करके पत्रकारिता पर आ जाते हैं। शंभू कुमार सिंह चुनाव जीतने के बाद या जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद में पत्रकारिता में बने रहेंगे? देखिए, भारत पत्रकारिता का कोई अलग से सर एग्जाम नहीं होता है इस देश में। मैं तो चाहता हूँ हो एग्जाम, जैसे वकील के लिए वकील का एग्जाम होता है। क्या वकील, आप मंत्री बन जाते हैं तो वकालत नहीं करते हैं क्या? क्या आप एमपी बनने के बाद में सांसद भी, क्या सांसद बनने के बाद में आदि प्रोफेसर भी रहता है? हाँ, आप क्या पत्रकार हैं? पत्रकार क्या है? राइट टू स्पीच है ना, राइट टू स्पीच है। हर आदमी इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत बात करे। मैं बात करता रहूंगा, क्यों नहीं करूंगा? ये राजनीति क्या है? पत्रकारिता है, पत्रकारिता क्या है? राजनीति है। मैं बहुजन समाज के तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि आप अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बोलिए। दो, पहला काम सामाजिक आंदोलन, जो माननीय साहब ने कहा है, बिना समाज, हमारे पास आज के डेट में कैपिटल नहीं है, धन नहीं है बहुजन समाज के पास। बाहुबल के हम लोग खिलाफ हैं, बिल्कुल वहाँ जा नहीं सकते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हमारे पास क्या है? हमें जाति इसमें बांट दिया गया। बाबा साहब ने हमें SC ST OBC का दर्जा दिया, बीपी मंडल साहब ने हमें OBC कहा, हजारों जातियों को एक जगह पिरोया, आज हम बहुजन बन रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से, अगर इस देश की सामाजिक बहुजन जनता को लगता है कि 10 साल में मैंने पत्रकार के तौर पे अगर बहुजन समाज के लिए कुछ किया है, उनको सामाजिक रूप से जड़े मजबूत की हैं, तो अब राजनीतिक फसल काटने की बारी है। माननीय साहब ने कहा है जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, उसी की राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। आप 10 साल से, जो मैं तो अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, डॉक्टर रितु उनको टिकट मिलना चाहिए पंजाब से, लक्ष्मण यादव उनको टिकट मिलना चाहिए यूपी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसर जिन पर हमला हुआ संघियों ने किया, उनको टिकट मिलना चाहिए यूपी से, वो तमाम लोग जो जेल जा रहे हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला है पिछले 10 साल में, जो सड़कों पर विपक्ष की भूमिका में है। राजनीति विकल्प है, सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये सबसे बड़ा विकल्प है। आप मानिए ना मानिए, मैं पिछले 10 साल से सामाजिक आंदोलन चला रहा हूँ पत्रकारिता के जरिए, और राजनीति में भी हमें भागीदारी करनी होगी। तो सोचिए, SC ST आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ा है, क्यों? कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन तय होगा? कितनी आबादी है SC ST की? चंद्रशेखर से कोई बात हुई है? नहीं, उस पर आऊंगा। 25% आबादी है ना SC ST की, बिल्कुल आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं जा रहे हैं। OBC की आबादी 65% 60%, आज उसका टिकट कितना है? अभी आकलन कीजिए आप तमाम राजनीतिक दलों का, नेशनल दलों का, कांग्रेस और BJP का। भाई साहब, 50% टिकट अभी भी जनरल कैटेगरी के पास है, कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? फिर मैं वही आ रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण से कोई बात हुई है समर्थन को लेकर के, या उनकी पार्टी के समर्थन को लेकर के? अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या केतली, क्या नाम है, आपके हाथ में भी होगी? मेरी, मैं वैशाली का हूँ, वैशाली की जनता से बात कर रहा हूँ। वैशाली की जनता मुझे सराखों पर बैठाएगी तो इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग सराखों पर बैठाएंगे तो हमारे अपने लोग तो अपने साथ आएंगे। कब जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए? देखिए, वहाँ नॉमिनेशन के लिए भी लंबा समय है, वहाँ 5th फेज में चुनाव है तो लंबा समय है, लेकिन वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड है। मैंने कल वीडियो डाला, लोगों से राय लिया, आप देखिए जाके, हम तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, 75% बहुजन हमारे साथ है। जो 10% जो लोग खिलाफ में बोल रहे हैं
उनका उनका कैटेगरी चेक कर लीजिए। हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ने की घोषणा जो है वो आज यहाँ कर दी है। हमारी शुभकामना उनके साथ हैं, और मैं पहले दिन से कहता हूँ कि बहुजन मूवमेंट, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों को जो इस विचार की से संबंध रखते हैं, उनको लोकसभा में चुनाव जीत करके जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी ऐसे लोग जा सके जिनको समाज का दुख दर्द और अपनी मूवमेंट की जानकारी हो। हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप तमाम लोगों से अपील है, जब शंभू कुमार सिंह का वैशाली से टिकट फाइनल हो जाए तो थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा सा धन निकालिए, और उनके लिए समर्थन करिए। धन्यवाद।